केशव, तू अपनी जगह पर जाके बैठ, मैं तुझे बुलाने को आता हूँ। क्या यार, क्या है? इस कंपनी का लेटर उस कंपनी को, तुमने हमारी कंपनी का लाखों रुपए का घाटा कर दिया केशव। तो ठीक है, अगर मेरा काम पसंद नहीं तो आज से सारा काम खुद कीजिए। अच्छा, तुम एक्ट्रेसेस की फोटो देखने के लिए बेटा यार? कौन कमबख्त कहता है कि मैं सिर्फ एक्ट्रेसेस की फोटो देखता रहता हूँ? ये गोखले कहता है। गोखले? अरे वो क्या दे रहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। देखिए कुछ नहीं, यह बता। अरे कुछ नहीं है, शायद आप ठीक कह रहे थे। ऐसे थर्ड क्लास आदमी को तो डिसमिस कर देना चाहिए। अरे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सर, आप मुझे डिसमिस करेंगे उससे पहले इस कंपनी की नौकरी को मैं लात मार के निकल जाऊंगा। तो जितने लात मारेगा ना केशव, उस दिन मैं सरे आम तेरे पैर छूंगा बेटा, पैर। ये बात है, ठीक है, आज ही इस कंपनी से इस्तीफा देता हूँ। नहीं केशव, शांत हो जाओ। नहीं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे क्या बोला, मैं यहाँ हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। केकु जी, calm down, calm down। अरे आप ही बताइए प्रेमा जी, मैंने कोई गलत काम किया? अरे पिछले 10 या 15 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। केकु जी, आप जैसे आदमी को नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रही है प्रेमा जी, मेरा चिंटू मेरी बीवी। आप कितना कमा लेते हैं महीने में? अरे महीने में 3-4 कितने में सेटल करूं? अब 10 10 10 बस बस। केकु जी, इससे डबल तो मेरे असिस्टेंट्स कमा लेते हैं। डॉल, तुम्हारी चाय डार्लिंग। मतलब ये दिलरुबा को चाय पानी बनाने के आप 10,000 देती हैं? शट अप। केकु जी, नॉट दिल, दिल तो फ्री में काम करता है। मेरे असिस्टेंट्स मतलब मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्पॉट बॉय। कल ही मेरे स्पॉट बॉय ने मोबाइल फोन लिया है। सो हैप्पी। ये सब इतना कमा लेते हैं? प्रेमा जी, आपकी लाइन में मेरे लिए कोई स्कोप है? है ना? है? बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा? हाँ, बड़ा स्कोप है। डॉल, कल मुझे घनश्याम जी भाई मिले थे। कौन? अपने घनश्याम जी भाई, स्टूडियो फिल्मोनिया के मालिक। घनश्याम जी भाई, व्हाट ए बिग मैन। वो कह रहे थे कि उनको एक आदमी की बहुत सख्त जरूरत है। किस लिए? किस लिए? उनकी जो स्टूडियो के टॉयलेट्स है ना, वो बहुत गंदे रहते हैं, उन्हें साफ करने के लिए। तो बहुत बड़े झाड़ू का स्कोप है। मजाक की भी हद होती है। मजाक की भी कोई हद होती है? लेकिन मैं तुमसे कहा कह रहा हूँ यार, उनको एक आदमी चाहिए तो चाहिए, तुमको नहीं करना तो मत करो। और वैसे भी बात सुनो, कभी अपना आईने में थोपड़ा देखा है? जा बेटा, पहले जा और गंदे नाले में अपना मुंह धो के आ। शक्ल पे मत जाओ। Look at his personality, काफी अच्छी personality है केकु जी की। Thank you प्रेमा जी, thank you। प्रेमा जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये देखिए। Oh, half a bottle of perfume। Yes, दिखो दिखो दिखो। परफ्यूम की आधी बोतल, ऊपर से ढक्कन भी खुल। अबे चोर बाजार से खरीद कर लाया है क्या? क्या होता है? प्यार से लाए हैं, मैं प्यार से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। थैंक यू प्रेमा जी, आप कितने अच्छे हैं केकु जी। ये शर्मा जी है ना, आपको खामा खा डालते रहते हैं। नहीं क्या? आप नहीं मानेंगे प्रेमा जी, लेकिन मैं तो नौकरी को लात मारना चाहता हूँ। मार दीजिए लात, मार दीजिए। अच्छा, 2-3 महीने सेटिंग के बाद हमारी फिल्म लाइन में आपको लाख दो लाख, नहीं नहीं नहीं, करोड़ भी मिल सकता है। करोड़? 1 करोड़ रुपया? हाँ। ठीक है प्रेमा जी, मैं कल ही नौकरी से इस्तीफा दे देता हूँ। ये रहा मेरा इस्तीफा। केशव, कम से कम इस महीने की तनख्वाह तो ले ले। वो मैं ले लूंगा, वो मैं ले लूंगा। फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तू एक नहीं, नहीं, क्या है? गोखले, एक केकड़ा मेरी कुर्सी पर क्यों बैठा है? आवाज नीचे। अब मैं इस कंपनी का नौकर नहीं हूँ, समझे? मैंने इस कंपनी की नौकरी को लात मार दी है। अभी कहेगा इस्तीफा वापस ले लो। वादे का पक्का है यार, तूने इस्तीफा दे दिया बस। नहीं 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 शर्मा जी, प्लीज इसका इस्तीफा एक्सेप्ट मत कीजिए, प्लीज। क्यों नहीं करूँ, वो दे रहा है तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँ? केशव, मैं तेरा ये इस्तीफा जो है ना, आज ही चेयरमैन को भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, भेज दीजिए। और एक काम कीजिए, अकाउंटेंट को बुला के मेरी इस महीने की तनख्वाह दीजिए। भाई मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तेरे को कानून नहीं मालूम कंपनी का? क्या इस्तीफा देने से 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस नहीं दो तो 1 महीने की तनख्वाह जमा करनी पड़ती है। ठीक है शर्मा, तनख्वाह तू रख लेना, कीप द चेंज, और ये ले ऊपर से थोड़ा ज्यादा। नहीं, आज पेट भर के खाना खा लेना। क्या? अरे चिल्लाती क्यों? 1-2 महीने के अंदर
नौकरी से दुगना तिगना पैसा कमा कर दिखाऊंगा। लेकिन तब तक चिंटू की फीस, सोसाइटी मेंटेनेंस, बनिए का बिल, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं, कैसे उधार लेकर आऊं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी तुमने। अरे नौकरी में क्या रखा है? जानती हो प्रेमा जी क्या कहती है? क्या? प्रेमा जी ने मुझे कहा केशव जी यस केशव जी, आप जैसे स्मार्ट आदमी को तो नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा तो उन्हीं के कहने पर आपने नौकरी छोड़ दी। हाँ। अभी एक काम कीजिए, उन्हीं के पास जाकर उधार मांगो। जाओ। हाँ, ये आइडिया अच्छा रहेगा केशव। आया भाई। अरे तू अंदर कैसे आया? मैंने भी एक डुप्लीकेट चाबी बना के रखी है ना। कैसे हैं दिलरुबा जी आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉल घर पे नहीं है। अरे कमाल करते हैं, प्रेमा जी घर पर नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम करना है। हाँ तो मैं आपकी मदद करता हूँ ना, चलिए। तू और मेरी मदद करेगा? हाँ क्यों नहीं। डॉल में कुछ काला ट्विस्ट है, बता तेरे दिमाग में प्लान क्या है? बोल। दिलरुबा जी एक छोटी सी बात बताइए, प्रेमा जी आपको घर खर्च के लिए महीने के कितने पैसे देती है? यह कोई अबे जा, वो मुझे क्या पैसे देगी? नहीं? मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट, पता है मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता पैसे के लिए। नहीं? गांव में मेरे डैडी की 8-10 फैक्ट्रियां हैं, मुझे लाखों रुपए महीने का आता है। अच्छा? पता है किसकी किसकी फैक्ट्री है? किसकी किसकी? लेदर की, चमड़े की, शूज की, जूतों की, बूट की, चप्पल की। ये सब तो एक ही फैक्ट्री में बनता होगा। तो क्या हुआ, पाउडर लिपस्टिक की भी फैक्ट्री है? वो तो आपके लिए डाली होगी ना। शट अप, अच्छा शट अप, पैसे की बात कर रहा था ना। हाँ। मेरी जेब में कभी भी हाथ डालेगा ना। हाँ। तो 2-2.5 हजार तो मिलेगा ही तेरे को। मेरे को? मतलब मेरे को। अच्छा। हाँ। एक काम करो। हाँ। जेब में हाथ डालिए। ले डाला। अब हाथ को बाहर निकालिए। निकाला? कहाँ है? सॉरी वो तो इस जेब में है। फिर से हाथ डालिए। डाला। अब निकालिए। निकाला। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे प्रेमा जी, डॉल तो बाहर क्यों आई? अरे डैडी। क्या है चिंटू? आज मेरी फीस भरने का लास्ट दिन है, आज अगर मैंने फीस नहीं भरी ना तो मेरी प्रिंसिपल मुझे क्लास में नहीं बैठने देगी। हाँ तो ठीक है, एक महीने तक स्कूल मत जाना। क्या? अरे क्या 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 कर रहा है तू? वैसे भी कहाँ क्लास में बैठता है, हमेशा नीचे ग्राउंड में खेला करता है। क्या है केशु, उसकी फीस के लिए भी तुमने पैसे नहीं रखे? अब मैं सब्जी लानी है, मुझे पैसे दो। ठीक है, माथा मत पीटो, शाम तक पैसों का बंदोबस्त करता हूँ मैं। कोकी, चलो मार्केट चलना है ना। हाँ, चलते। हाँ। एक मिनट चिंटू, दूध पीने आओ। हाँ। एक मिनट आई। कैसी हो गंगा बहन? गंगा बहन मैं बुला रहा हूँ, आइए ना, बैठिए ना, आइए आइए बैठिए गंगा बहन, आप चौंक क्यों गई? लेकिन इतने प्यार से तुम मेरे साथ कभी पेश नहीं आए। क्या है गंगा बहन, हाँ। मेरे और आपके बीच में हमेशा लव हेट रिलेशनशिप चलती रहती है ना। हाँ, लेकिन अक्सर उसमें लव कम और हेट ज्यादा होता है। वो मेरी गलती थी, आज मुझे एहसास हुआ कि आप तो एक अच्छी पड़ोसन है, और ये अच्छी पड़ोसन किसी भी वक्त काम आ सकती है। हाँ। आप काम आ सकती है ना? हाँ, हाँ, आ सकती है ना? क्यों नहीं। बात क्या है गंगा बहन, मुझे 400 रुपए की जरूरत है। 400 रुपए? क्या है चिंटू की फीस भरनी है और मेरी पगार कल आने वाली है। अच्छा, 400 रुपए? 400 रुपए है। कितने हैं वैसे आपके पास? 600। चलेंगे, वो 200 रुपए बाद में एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू गंगा बहन, 600 रुपए। डैडी। हाँ बेटे। मैं स्कूल जा रहा हूँ। एक मिनट चिंटू बेटे, ये ले, ये तेरे 400 रुपए फीस के। अरे वाह डैडी। थैंक यू गंगा बहन, अब बहुत अच्छी है। अच्छा कोकी आया तो उसे कहना कि मैं ऑफिस गया। हाँ, हाँ, अच्छा। ये केशु जैसा भी है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। चलो चलना है ना। हाँ चलते हैं, चलो चलो। अच्छा कोकी, कुछ पैसे ले लो, मेरे पास नहीं है। क्या गंगा मौसी, बाजार के लिए निकली और पैसे भूल गई? अरे मैं तो 600 रुपए लेकर आई थी। तो कहाँ गए? केशु ले गया। केशु कहाँ गया? वो ऑफिस चला गया। ऑफिस? हाँ। 50 रुपए? इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? अरे यार 5000 थोड़ी मांगे, 50 ही तो मांगे, और कल ही तेरी पगार हुई और तेरे पास 50 रुपए नहीं है। वो मेरी बीवी ने मेरे जेब से निकाल दी, उसे पता चल गया मैं ट्रेन में जुआ खेलता हूँ। गोखले, कहीं से भी बंदोबस्त कर, मेरे पास लंच के भी पैसे नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था इस्तीफा देने की जल्दी मत कर। ठीक है, बंदोबस्त कर दो। लक्ष्मी। क्या है गोखले,
एक 100 का नोट होगा तो निकालो। कौन? केशव को जरूरत है। ठीक है, ये लो। हाँ, थैंक यू। और सुनो केशव, पैसे जल्दी वापस करना। हाँ, डोंट वरी। औरतों के पैसे ज्यादा दिन नहीं रखते। हाँ, डोंट वरी। मैं किसी से कल ही किसी से उधार लेकर ये पैसे वापस कर दूंगा। क्या है प्रेमा जी, फिल्म का क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स है, मगर कोई टेंशन नहीं है। इतना जबरदस्त इमोशनल सीन है मगर कोई इमोशन नहीं है, और इतना भयंकर कॉमेडी सीन है मगर कोई कॉमेडी नहीं है। ओह टिटू, यू आर सो डिफरेंट। थैंक यू। हेलो प्रेमा जी। बोले मैं। ओह, ये तो हमारे बहुत ही अच्छे और होनहार पड़ोसी केशव कुलकर्णी है। मैडम, आपका फोन। ओह, ज्ञानेश भाई का टेलीफोन होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं? जी हां जी। अच्छा, डायरेक्टर मैं हूँ। ओह, आप हैं, सॉरी सॉरी। सर, क्या नाम है आपका? टूटू कपूर। ओह, टूटू कपूर आप खुद हैं? सर, आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, आपने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, और मैंने सुना आप दिल के भी बड़े अच्छे हैं। क्या है, हो सके वहाँ तक लोगों की मदद करता हूँ मैं। करते हैं ना, मदद करती है ना। अच्छा टूटू साहब, आपके पास 100 रुपए होंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या है, मेरे पास 500 का नोट है, मैं अभी अभी टैक्सी से आया, उसके पास छुट्टे नहीं है। ये लो, ये। थैंक यू सर, मैं अभी आके वापस देता हूँ, छुट्टे करवाओ। बोखले केशो, तू तो पकोड़े ऐसे खा रहा है जैसे कि तूने ही खरीदे। बहुत ही अच्छे पकोड़े। गोखले, एक प्लेट और ले। तेरे पास पैसा है तो ले ले। क्या कर रहा है गोखले? ओ पंडित, एक प्लेट और लेना। साहब, 3-4 रोज साहब उधार खा रहा है, मैं इतने उधार की जो देता होता नहीं हूँ, समझे? ठीक। क्या है केशव, एक मामूली पकोड़े वाला तुम्हें 4 बातें सुना रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरू में आती थी गोखले, लेकिन अब आदत सी हो गई है। और उधार मांगने का नशा ही कुछ और है, आदमी को सिर्फ उधारी पर जीना चाहिए, बहुत मजा आता है। गोखले, केले खाएगा तू? एक मिठाई। ओहो पंडित, कैसे है मालिक? कैसन हो? बस ठीक है। कुड़े खाओगे? हेलो हेलो। क्या बात है, आजकल आप केले अच्छे नहीं बनाते पंडित जी। क्या करें साहब, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। गांव में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। आपकी जोरू कैसी है? उस कुलटा का नाम मत लो हमारे सामने। क्यों, छोड़ दिया उसे? अरे कहा बताए साहब, डिवोर्स हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा पंडित, आपके पास 100 के छुट्टे हैं? है ना साहब, एक दर देना। ये 100 रुपए ठीक से गिने ना? गिने, आप भी गिन लीजिए साहब। अरे ये कहा पंडित, फटे हुए नोट देते। गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। दूसरी नोट दे। अच्छा अभी आता हूँ। ए पकौड़े, कितने पैसे बाकी है तेरे? 30 रुपए 30 रुपए ये ले, उठा चला, एक प्लेट और ले। माफ करना साहब, ये यार केशव कुलकर्णी के साथ पंगा ले रहा। चल। ओ मालिक, हमारे 100 रुपया तो छुट्टे तो ले लिया आपने। वो पंडित वो कल ले ले। अरे साहब रुको रुको साहब। परदेसी परदेसी जननी तोड़ के। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? No, you can't come, सी बातें चुके हो तो। ओह सर, मैं यही जानने आया हूँ क्या मेरा इस्तीफा मंजूर हो गया? हो जाएगा। लगता है आप मुझसे बहुत ही नाराज हैं सर। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे केशव, तुमने इस्तीफा दिया है बेटे। सर वैसे मैं आपके लिए ये प्रेजेंट लेकर आया था। सर इसमें एक शर्ट पीस है, क्या है, आज तक आपने मुझे बहुत ही संभाला है ना। ये क्या केशव, तुम्हारा इस्तीफा ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट है। नहीं, मैंने सोचा आज तक मैंने आपके बहुत ही कपड़े फाड़े हैं, तो आपको आज एक शर्ट पीस दे दूं। दिमाग मत खाओ यार, तुम जाओ, तुम सिस्टर में सर, वही काम कर रहा हूँ जो तुमने पेंडिंग छोड़ा है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। बोलो क्या है। सर आपके पास 5,000 रुपए है क्या? वो क्यों? मुझे 500 रुपए उधार चाहिए सर। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसा मत कहिए सर, ऐसा मत कहिए। मेरी बीवी की, आपकी बेटी समान मेरी बीवी कोकी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले जाना है उसे, और मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं है सर। मेरी बेटी कोकी को क्या हुआ? सर उसका ऑपरेशन करवाना है। ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का ऑपरेशन करवाना है, और मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, ये लीजिए सर, आपके लिए शर्ट पीस पूरे 6 मीटर है, आपकी एक शर्ट तो जरूर बन जाएगी। अच्छा सर मैं चलता हूँ, मेरी बेटी का ठीक से इलाज करा। सर मैं चलता हूँ।
हेलो रोजी। हाउ आर यू? फाइन। अच्छी साड़ी पहनी है तुमने। ओहो पर्स भी अच्छी है, मैचिंग है, वेरी गुड। ये पर्स कहाँ से ली तुमने? अच्छा मैं चलती हूँ। रोजी रोजी। हेलो आईबीएम लक्ष्मी। हेलो कुलकर्णी जी। कैसी हो? ठीक हूँ। लक्ष्मी तुम तो जू में रहती हो ना? हाँ। अच्छा यहाँ से जू का टैक्सी का भाड़ा कितना होता है? 150 रुपया। 150 रुपया? क्या हुआ? नहीं लक्ष्मी मेरे पास क्या है, सिर्फ 100 रुपए ही है। चिंटू को जू के एक अस्पताल में दाखिल किया है और मुझे जल्दी से जू जाना है। अच्छा तुम्हारे पास लक्ष्मी 50 रुपए होंगे? हाँ है। जरा देखो ना। नहीं मेरे पास इतना ही है, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी। हेलो शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी बेटी तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। केशु आया है क्या वहाँ ऑफिस में? आया तो था लेकिन क्यों? नहीं नहीं उसे उसे प्लीज पैसे नहीं देना, आजकल उसे उधार मांगने की बड़ी आदत लगी है। केशु का बच्चा मुझे चूना लगा गया, चूना लगा गया। कोई बात नहीं, प्रॉफिट में मैं हूँ केशव के बच्चे। ये शर्ट पीस 1000 रुपए का। अंदर आवाज, शर्ट पीस में आवाज, ये कैसी आवाज है? आप क्या करें प्रेमा जी, आपके पड़ोसी ये ना भी तो नहीं बोल सकते ना उसे। हेलो प्रेमा जी। हेलो हेलो सर। टूटू चेक करते हैं। एक मिनट। टूटू सर ये लीजिए, ये आपके 100 रुपए। देसाई दादा आपके ये 200 रुपए। सर ये जरा लेट हो गया, आप लोगों को लगा होगा कि पैसे लेकर मैं कहाँ गायब हो गया। क्या कुछ आप खड़े क्यों हैं? बैठे नहीं, नहीं नहीं मुझे जाना है, कई लोगों को पैसे लौटाने हैं। ओके सर भूल चुक, माफ। ओके दादा आना। अच्छा प्रेमा जी आना। देखा ना कितना थरो जेंटलमैन है यार। बहुत बढ़िया। नमस्कार प्रेमा जी। अब कौन है? आइए आइए आइए। कौन है? ओ प्रोड्यूसर गेला राम जी। कहिए आप अपने पड़ोसी से कहना कि पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा पड़ोसी, कैसे पैसे? वो आपका पड़ोसी केशव कुलकर्णी अभी अभी मुझसे 5000 रुपए लेके गया। आपसे भी? आप क्यों फिक्र करती है? मैं आपके अकाउंट से काट दूंगा। काट दूंगा? This is really too much, Keku ji. आप मेरे ही फिल्म सर्कल में उधार मांगते फिर रहे हैं। हाँ तो क्या करूँ प्रेमा जी, क्या करूँ? पैसे सिर्फ आपके सर्कल वालों के पास ही तो होते हैं। अच्छा और वो तेरे जैसे टुच्चों को उधार देने के लिए होते हैं ना? हाँ तो उसमें कौन सा गुनाह किया, उधारी तो लिए है ना, सिर्फ एक दो महीने का ही तो सवाल है। क्यों प्रेमा जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे प्रेमा जी आप ही ने तो कहा था नौकरी छोड़ दीजिए, आप एक दो महीने के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो जाएंगे। फिलहाल तो आप मुझे बहुत अपसेट कर चुके हैं। तू कहीं छोटी मोटी नौकरी और क्यों नहीं कर लेता? छोटी मोटी नौकरी? अरे छोटी मोटी भी नौकरी में क्या रखा है? क्यों प्रेमा जी? अरे माल तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है। क्यों प्रेमा जी? बार-बार मुझे ये क्यों प्रेमा जी, क्यों प्रेमा जी क्यों पूछ रहे हैं? तो किसको पूछूं? आपके क्लब से प्रेमा जी मैंने 15 साल की नौकरी छोड़ दी, अब आप ही को मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक देना पड़ेगा। आप किस ब्रेक के चक्कर में, मेरे इतने सालों में कमाई हुई रेपुटेशन ब्रेक हो रही है। केकु जी आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए, इनफैक्ट कुछ महीनों के लिए आप मेरी शूटिंग पर मत आइए पास। ठीक है प्रेमा जी मैं जा रहा हूँ। केकु जी आप तो नाराज हो गए। नहीं प्रेमा जी आपकी किसी भी बात पर मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? केकु जी आप कितने अच्छे हैं। प्रेमा जी Yes, Keku ji. एक 5-50 का बंदोबस्त हो सकता है? 5-50 नहीं होंगे तो 5-25 भी चलेंगे। यार तू आदमी है क्या है? तुझे बोला हम उधार नहीं देंगे, तू जा यहाँ से। तू आदमी है क्या? जा, get out of here. रूबा जी, आज पैसों की सख्त जरूरत थी। कौन सी नई बात, हर रोज ही होती है। कोकी ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया। क्या तू आदमी है क्या है? आदमी है क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ, इडियट, पहले क्यों नहीं बताया तूने? तूने पहले क्यों नहीं बताया कि कोकी जी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया? मेरी कोकी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरी कोकी? वही एक ही बात है, हमारी कोकी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, वो बीमार पड़ी है और तुम चाहते हो मैं पैसे ना दूं उसको? तुम औरत हो क्या? हो तुम कलर को औरत जाती ऊपर? बोलिए बोलिए
मेरा शर्ट हो गया। हाँ, हो गया। अरे तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? मेरा चश्मा एक होटल वाले ने तोड़ दिया। क्यों? कल एक होटल में मैं वड़ा सांभर खाने के लिए गया था। हाँ? कोकी खाने के बाद मैंने मालिक से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने मेरे मुंह पर एक मुक्का मारा। अरे बच गए समझो, कहीं वो तुम्हें बर्तन मांजने के लिए रख देता। ऐसा ही करने वाला। खाना खाना। चिंटू बेटे ये बिस्कुट तू कहाँ से लेकर आया? मैं क्वालिटी जनरल स्टोर से लेकर आया। अच्छा, उधार मांग के? उधार मांग के? अरे वाह, उसने तुझे उधार दिया? हाँ, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि आप मेरे डैडी हो। अच्छा, मुझे एक आधा बिस्कुट दे दे बेटे। नहीं दे दे ना। नहीं मम्मी, देखो डैडी मुझसे भी उधार मांग रहे हैं। ठीक है बेटे, एक दे दो ना। दे दे ना, खाना नहीं खाया मैंने, समझता नहीं है। चलो आज का खाना तो हो गया। क्या है केशु, घर में बीबी और बच्चा भूखा बैठा है और तुम काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो कल से मैं किसी के घर में जाके बर्तन मांजती हूँ। नहीं कोकी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अब मुझे पछतावा हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री मुझे रास नहीं आई कोकी, नहीं आई। क्या बात कर रहा है केशव, आखिर तुझ में समझ आई गई? हाँ गोखले, अब मुझसे सहा नहीं जाता, मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। लेकिन केशव तू ही तो कह रहा था ना, नौकरी करने से उधार मांगकर खाने में मजा है। अब वो तो ठीक है, लेकिन अब उधार देने वाला भी तो कोई नहीं बचा। तू नहीं मानेगा गोखले, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। गोखले, ये भिखारी कौन है? सर मैं केशव कुलकर्णी हूँ। सर सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहता हूँ। सर वो नहीं मिल सकता। दे दीजिए सर, दे दीजिए, वरना ये रोज आकर सबसे उधार मांगता फिरेगा। देखिए सर, देखिए बेचारे की क्या हालत हो गई है। देखिए सर, सर वो अपने किए पर पछता रहा है। सर प्लीज प्लीज दे दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं इस्तीफा वापस देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त सर? अपने इस्तीफे पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम उधार नहीं मांगोगे। ओके सर, मैं इस्तीफे की कसम खा कर कहता हूँ सर, आइंदा किसी से उधार नहीं मांगूंगा। बधाई हो कैसा, बधाई हो। बधाई हो सर, बधाई हो, बधाई हो। खामोश, ढंग के कपड़े पहन के आओ, कल से काम पे आ जाना। ओके सर। सर हाँ केशव। सर बोलो बेटे। सर बस भाड़े के लिए 5-10 रुपए उधार मिलेंगे।